दीपावली से ठीक पहले धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं और अपने घरों के लिए कई सारा सामान खरीदते हैं। लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही खरीदारी का एक शुभ संयोग बन रहा है और इस दिन व्यापार के लिए सामग्री की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। दरअसल दिवाली से ठीक पहले शनिवार और रविवार को कुश नक्षत्र लग रहा है और यह व्यापार करने वाले लोगों के लिए काफी शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि शनिवार रात में ही कुश नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सुबह 7:57 बजे से रविवार सुबह 10:30 बजे तक इसका शुभ काल रहेगा। उन्होंने बताया कि व्यापारी रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस दौरान नई दुकानें खरीद सकते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। युवा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मशीन इत्यादि की खरीदारी कर सकते हैं। कुश नक्षत्र मुख्य रूप से रविवार को माना गया है और इस दिन जो है कोई भी व्यापार करने के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि पुख नक्षत्र में खरीदने के बाद आगे बढ़ते हैं, उनका व्यापार आगे बढ़ते हैं और जो भी संपत्ति लिया जाता है वह पृथक नहीं होता है। उसकी शुरुआत कौन दिन से हो रही है? उसकी शुरुआत शनिवार के रात में जो है 1:05 से जो है 1:53 से प्रारंभ हो रहा है शनिवार के। हाँ, खरीदारी के लिए लगन जो है वृश्चिक लगन है ना, 7:02 से लेकर करके 9:36 तक। दूसरा है 12:05 से लेकर करके 1:16 तक। दूसरी है, तीसरा है 1:26 से 2:57 तक। महाअष्टमी का शुभ माना गया है, महाअष्टमी के साथ है। ये रविवार भी है और रविवार के साथ में जो है पुख नक्षत्र भी है। पुष्य नक्षत्र में महिलाएं सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, मूर्तियां। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में काफी शुभ माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे नक्षत्र का राजा कहा गया है। तो अगर आप भी कोई नया सामान खरीदने का विचार बना रहे हैं या नया व्यापार शुरू करना है तो कुश नक्षत्र से बेहतर संयोग आपको इस साल नहीं मिलने वाला। जमुई से लोकल टीम के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।